हेलो दोस्तों, आज हम गोस्ट शिप मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसको कि डायरेक्ट किया है स्टीव बेक ने। और इस मूवी की स्टोरी मार्क हैनलॉन प्लस जॉन पोग ने लिखी है। बात कर लें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की, तो 5.5 out of 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हैं, मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग इटालियन ओशियन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक बड़ी सी शिप एंटोनिया ग्राजा होती है, जिस पर बहुत से अमीर लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ मई 1962 का होता है। और इस शिप पर एक सिंगर फ्रांसिस्का होती है, जो कि सिंगिंग कर रही होती है, और उसके सिंगिंग को सभी लोग इंजॉय भी कर रहे होते हैं। और इन सबके बीच में एक छोटी सी बच्ची होती है, जो कि पजल सॉल्व कर रही होती है। तभी इस शिप पर एक इंसानी हाथ वहाँ के चैन वायर को खराब कर देता है, जिसके वजह से वो वायर टाइट होने लगता है और सभी को गाजर मूली की तरह काट देता है। और यहाँ पर वो बच्ची कैप्टन के साथ डांस कर रही होती है, और उस कैप्टन का यहाँ पर शरीर कट गया होता है। और इस शिप पर सिर्फ वही बच्ची बच गई होती है, क्योंकि उसकी हाइट काफी छोटी होती है। और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ग्रुप सीकिंग करके शिप को बचाकर ऊपर ला रहे होते हैं। बेसिकली इस ग्रुप का यह काम होता है कि ये लोग ओशियन में खोए हुए शिप को ढूंढकर बाहर निकालते हैं, और उसे बेचकर 6 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, क्योंकि इनके ग्रुप में 6 लोग होते हैं। और उनकी टीम का लीडर कैप्टन मर्फी होता है, और यहाँ पर एक लड़की मॉरिन एप्स होती है, जो कि उसकी बेटी जैसी ही होती है। और बाकी मेंबर के नाम हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पर सभी लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी इनके पास एक जैक नाम का लड़का आता है, जो कि एक वेदर ऑफिसर होता है। और वेदर ऑफिसर क्या होता है, इसके बारे में मैंने कोल्ड स्किन मूवी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। जैक सभी को बताता है कि उसने एक इंटरनेशनल ओशियन में एक बड़ी सी शिप को देखा है, और जो कोई भी उसे ढूंढेगा वो शिप उसकी हो जाएगी। और जैक को उसमें से 20% चाहिए, जिस पर सभी लोग मिलकर डिस्कस करने लगते हैं, और सभी लोग तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच में ग्रियन नाम का एक बंदा होता है, जिसकी अगले महीने शादी होने वाली होती है, और वो पहले तैयार नहीं होता है। लेकिन वो जब सुनता है कि उस शिप की कीमत करोड़ों में हो सकती है, तो वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। और कैप्टन मर्फी जैक को बुलाकर कहता है कि वो उसे 10% ही देगा, जिस पर वो मान जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो इन सबके साथ वो भी चलेगा। फिर सभी लोग अपनी ऑक्टिक वॉरियर शिप को लेकर समुद्र के अंदर निकल पड़ते हैं। आगे जाने पर सांटोस को रेडार उसी शिप की झलक दिखती है, लेकिन अगले पल ही वो गायब हो जाती है। इससे यह होता है कि उस शिप का लोकेशन इन्हें सही से नहीं मिल पाता है, और उसी की वजह से इनकी ट्रक बोट उस शिप से जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण इनकी बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन जल्दी से सभी लोग संभाल जाते हैं। फिर सभी लोग उस बड़े से शिप को देखते हैं, जो कि वही शिप एंटोनिया ग्राजा होती है, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और यह शिप 40 साल पहले अचानक ही गायब हो गई थी। चौंका देने वाली यह बात थी कि इस जहाज पर कोई भी आपदा के निशान नहीं होते हैं, बस ऐसे ही 40 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी। फिर सभी लोग उस शिप के ऊपर जाते हैं और परीक्षण करने लगते हैं। और हम इसी बीच वहाँ पर एक पजल गेम को देखते हैं, जो कि अपने आप ही सॉल्व होकर उनका वेलकम करता है। मतलब यह है कि यह लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं, तभी नीचे से एक फ्लाइट टूट जाती है, जिसकी वजह से मंडर नीचे गिरने लगता है। लेकिन एप्स उसे पकड़ लेती है, और इसी दौरान एप्स को वहाँ पर एक लड़की की झलक दिखाई देती है, जो कि इस शिप पर बच गई थी। लेकिन वह अगले सीन में गायब हो जाती है, और एप्स इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर उन्हें एक घड़ी मिलती है, जो कि अभी भी चल रही होती है। चौंका देने वाली बात यह होती है कि यह घड़ी डिजिटल थी, और ऐसी घड़ी 1962 में कोई भी कंपनी नहीं बनाती थी, जिसकी वजह से सभी लोग समझ जाते हैं कि इस शिप पर आने वाले ये लोग पहले नहीं है, इनसे भी पहले लोग आ चुके हैं। फिर सभी लोग अपने शिप पर वापस आते हैं और बैठकर उस शिप के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिससे इनके पास 2 रास्ते निकल कर आते हैं। पहला रास्ता यह होता है कि इस शिप को रिपेयर करके इसे वापस ले जाएं, और दूसरा रास्ता यह होता है कि इस शिप को यह लोग खींच कर लेकर जाएं। लेकिन इनकी ट्रक बोट में इतनी पावर नहीं होती है कि इतनी बड़ी शिप को ये लोग आसानी से खींच पाए, इसलिए यह लोग पहला रास्ता चुनते हैं। अगले दिन सभी लोग उस शिप पर जाते हैं, और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। सांटोस इंजन रूम में जाकर इंजन को रिपेयर करने लगता है, और एप्स परीक्षा करते करते उस शिप के स्विमिंग पूल तक पहुंच जाती है, जहां
पर उसे पुल के अंदर बहुत सारी गोलियों के कवर मिलते हैं और दीवारों को बहुत सारे छेद भी दिखते हैं, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि इस चीज पर बहुत ही बुरा हुआ होगा। फिर वह ऊपर जाने लगती है, तभी अचानक से उसे वही लड़की वहाँ पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो डर कर नीचे गिर जाती है। जब वो वहाँ पर उड़ती है तो उसका ब्लड एक होल के अंदर अपने आप ही चला जाता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है जो कि उसे बाहर निकालता है और उनके पीछे से हम देखते हैं कि वह स्विमिंग पूल पूरी तरह से ब्लड से भर गया है। इधर मर्फी उस शिप के कैप्टन के रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक ग्लास में फ्रेश ड्रिंक रखा होता है, जिसे वो उठाता है। तभी उसे वहाँ पर उसी मिरर के अंदर उसी कैप्टन की झलक दिखती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है, लेकिन वो इसे अपना बैम समझ कर वहाँ से चला जाता है। और पीछे से हम उस आईने में उसी कैप्टन की झलक को देखते हैं। इधर ग्रियर को वॉकी टॉकी पर उसी सिंगर फ्रांसिस्का की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एप्स इनके साथ मजाक कर रही है। दूसरी तरफ एस और जैक घूमते घूमते लॉन्ड्री के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर एस एक दरवाजे को खोलती है, जिसके खुलते ही वहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है और उस पानी में दो लोगों की बॉडी तैर रही होती है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रियर को एक फ्रेश जलता हुआ सिगरेट दिखता है और उसे फिर से ऐसा लगता है कि ये सब एस का काम होगा, लेकिन इसी बीच हम फ्रांसिस्का की एक झलक को देखते हैं। इधर जैक और एस कार्गो रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें थोड़ी देर में बहुत सारा गोल्ड दिखाई देता है, जिससे वो दोनों सभी लोगों को दिखाते हैं और सभी लोग उस गोल्ड को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी गोल्ड की कीमत लगभग 300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती है। फिर सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि यह लोग सिर्फ यहाँ से गोल्ड ही ले जाएंगे और शिप को यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि इस गोल्ड को यहाँ से ले जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस शिप पर इनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब हादसाएं हो चुकी है, जैसे कि एप्स को दो बॉडी मिली थी जो कि 2-3 हफ्ते ही पुरानी थी, और ग्रियर को एक जलता हुआ सिगरेट मिला था, साथ ही उसे एक लड़की की आवाज भी सुनाई दे रही होती, लेकिन सभी लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और गोल्ड को अपने साथ ले जाने का तय करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर उस गोल्ड को अपने शिप पर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से अपने आप ही वहाँ का मेथेन गैस चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हर जगह गैस ही फैल जाता है और ग्रियर इंजन को चालू करने के लिए जाता है। तभी एप्स को वही लड़की ऐसा करने से रोकती है, लेकिन उस लड़की की सोल को कोई ईवी सोल खींच लेती है। जैसे ही ग्रियर इंजन को स्टार्ट करता है, वैसे ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें कि सांटोस की मृत्यु हो जाती है, साथ ही मंडर और ग्रियर थोड़ा बहुत जख्मी भी हो जाते हैं। और यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से इनकी शिप पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से इनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जो कि इस शिप को ठीक करना है और वापस जाना है। लेकिन सांटोस की मृत्यु की वजह से इन सभी के बीच में दरार हो गई थी और सभी लोग अलग अलग भी हो गए थे। मर्फी सांटोस की मौत का जिम्मेदार अपने आप को ही मान है, जिसकी वजह से वो कैप्टन के रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है। फिर एप्स उस शिप पर पैसेंजर की लिस्ट को देखने लगती है, जिसमें उसे उस लड़की का नाम केटी पता चलता है, जो कि इस शिप पर अकेली थी। इधर मंडर और डॉज को काफी भूख लगी होती है, तो वो उसी शिप का फूड खाने लगते हैं, जो कि काफी टेस्टी होता है, लेकिन वो जैसे ही अपने सेंसेस में वापस आते हैं, वो सब कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं और वो फूड पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, लेकिन वो शिप उन्हें ऐसा ही दिखा रहा होता है और वो दोनों तुरंत ही वहाँ पर उल्टी कर देते हैं। फिर एप्स केटी को ढूंढते ढूंढते उसके रूम में जाती है, जहाँ पर एक कबर्ड के अंदर केटी की कंकाल उसे लटका हुआ दिखता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ गियर काफी ड्रंक होता है और वो गैलरी में चला जाता है, जहाँ पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तभी फ्रांसिस्का उसके पास आती है और उसे सेड्यूस करके अपने पीछे ले जाने लगती है। अगले सीन में एप्स केटी के कंकाल से एक लॉकेट को निकालती है, जिसमें कि केटी की माँ की तस्वीर होती है। तभी वहाँ पर केटी भी उसके सामने आती है और वो बताती है कि एप्स उसकी माँ की तरह है, और केटी किसी के बारे में उसे बताती है कि उसे बहुत सारी सोल चाहिए और जब उसका कोटा पूरा हो जाएगा तब वो हमें अपनी आत्माओं की दुनिया में वापस भेज देगा। और यह बात केटी जैसे जैसे बता रही होती है, वैसे वैसे ही वह सिर्फ उस पर गुस्सा होने लगती है, जिसकी वजह से केटी उससे डरने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मर्फी के सामने वही कैप्टन का घोस्ट होता है, जो कि
उसे बताता है कि हमने दो दिन पहले ही एक शिप को रेस्क्यू किया था जिसमें कि बहुत सारा गोल्ड था और उसी की वजह से यहाँ पर बहुत बुरा हादसा हुआ था। इसमें मर्फी कहता है कि उस हादसे की वजह से सभी लोग मर गए होंगे, कोई भी नहीं बचा होगा। तभी कैप्टन का घोस्ट उसे बताता है कि एक इंसान बच गया था जिसका वो उसे तस्वीर भी देता है, जिसे देखकर मर्फी काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही सभी को बताने के लिए जाता है। लेकिन उसे रास्ते में सांतोस का घोस्ट उसे आकर परेशान करने लगता है, लेकिन वो ऐसे तैसे करके एप्स के पास पहुंच जाता है। लेकिन मर्फी को एप्स के अंदर भी सांतोस ही दिखाई देता है, जिसे वो मारने की कोशिश करने लगता है। तभी जैक वहां पर आकर मर्फी को बेहोश कर देता है और उसे लगता है कि मर्फी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, इसलिए सभी लोग उसे चेंबर में बंद कर देते हैं। फिर सभी लोग मिलकर उस शिप को रिपेयर करने के लिए शिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर शिप में पूरी तरह से पानी भर गया था और सभी लोग मिलकर शिप के पानी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी बीच वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके बीच में ग्रियन मिसिंग है, जिसे ढूंढने के लिए एप्स जाती है और आगे जाने पर उसे केटी दिखती है जो कि उसे ग्रियर के पास ले जाती है, जहाँ पर ग्रियर एक ट्रैप में गिरकर मारा जा चुका होता है। केटी एप्स को लेकर अपने साथ पास्ट में जाती है, जहाँ पर वो दिखाते है कि इस शिप पर कुछ लोगों को उस वायर से काट दिया गया था और कुछ पैसेंजर के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया गया था और बचे हुए पैसेंजर को स्विमिंग पूल के पास ले जाकर उन्हें गोली से मार दिया गया था, जिसकी वजह से उस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारी गोलियों के कवर भी थे। फिर केटी को उसी कवर के अंदर फांसी लगाकर लटका दिया गया था और बचे हुए लोग उस गोल्ड के पास जाते हैं और अपना हिस्सा लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर फ्रांसिस्का आ जाती है और वो एक आदमी को सेड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो आदमी बाकी सभी को मार देता है। फिर फ्रांसिस्का उसे भी मार देती है। तभी वहाँ पर इनके बॉस की एंट्री होती है जो कि फ्रांसिस को भी मार देता है और वो फ्रांसिस्का के हाथ पर एक निशान छोड़ देता है। तभी हम उस इंसान को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है और यहाँ पर ये सब जैक ही करवा रहा होता है और वो खुद ही एक इविल सोल होता है जो कि अपने बॉस के लिए बहुत सारी सोल को इकट्ठा कर रहा होता है और उसका बॉस यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे कि लूसिफर। जैक के अंदर एक खास पावर होती है जो कि किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान को आसानी से बेवकूफ बना सकता है। और जैक यहाँ पर सभी सोल को इकट्ठा कर रहा होता है और वो ऐसा क्यों करता है इसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। जैसे ही एप्स को जैक की सच्चाई के बारे में पता चलता है, वह तुरंत ही मर्फी के पास जाती है, लेकिन मर्फी मर चुका होता है क्योंकि उसके चेंबर में पूरी तरह से पानी भर गया था और उसके हाथ में जैक की ही तस्वीर होती है। और यहाँ पर लगभग सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। एप्स और डॉज इसलिए बचे होते हैं क्योंकि ये दोनों इस शिप को ठीक करना चाहते हैं। इतना सब होने के बाद एप्स उस शिप को उड़ाने के बारे में सोचने लगती है। इंजन रूम में डॉज के पास जैक होता है जो कि डॉज को भड़काने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है। डॉज जैक को शॉटगन से शूट कर देता है। इधर एप्स उस शिप को पूरी तरह से उड़ाने की तैयारी कर चुकी होती है, तभी उसके ऊपर डॉज आता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एप्स नहीं मानती है। तभी डॉज जैक के रूप में बदल जाता है, यानी कि जैक ने डॉज को अंदर मार दिया था और वो अपने आप को सोल कलेक्टर बताता है। जैक यहाँ पर सभी मरने वाले लोगों के हाथ पर एक निशान छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी सोल जैक के अंडर काम करने लगती है और यहाँ पर आने वाली सभी लोगों को मारने में जैक की मदद करने लगती है, जिसकी वजह से उस सोल को अपनी मुक्ति पाने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैक ने यहाँ पर उन लोगों को इसलिए बुलाया था ताकि वह इस शिप को मरम्मत करके इसे किसी टापू तक ले जाए और इस तरह उसका कोटा भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर जैक एप्स को गोल्ड का ऑफर भी देता है, बदले में वो उस शिप की उड़ाने से वो मना करता है, लेकिन एप्स जैक की इसलिए जान चुकी होती है क्योंकि उसे केटी ने सब कुछ बता दिया था। और यहाँ पर केटी की सोल पर कोई भी निशान नहीं होता है, यानी कि वह जैक के कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि केटी की सोल काफी छोटी बच्ची की थी और छोटे बच्चों की सोल काफी साफ होती है। जैक यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों की सोल को कलेक्ट कर पाता है जिसके अंदर लालच भरा होता है। और देखा जाए तो इस शिप पर सभी लोग गोल्ड के लालच के चक्कर में ही मारे गए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। जैक उस शिप को ब्लास्ट करने से उसे मना करता है, जिस पर एप्स अपना क्रू वापस मांगती है जो कि नामुमकिन होता है। और इसी बात को लेकर इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। जैक एप्स पर भारी पड़ रहा होता है और वो उसे ऑलमोस्ट मारने वाला ही होता है, लेकिन कैसे भी करके एप्स उसका मुकाबला करती है और वो किसी तरह उस शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से शिप पूरी तरह से टूट जाती है और एप्स भी वहाँ पर डूबने लगती है। लेकिन केटी आकर उसकी मदद करती है और उसे उस शिप से बाहर निकाल लेती है और यहाँ पर शिप उस ओशियन में डूबने लगती है और उस शिप पर
कैद की गई सारी सोच आजाद हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। केटी यहाँ पर ऐप को थैंक यू बोलकर अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। ऐप यहाँ पर बच गई होती है, जो कि एक सूटकेस का सहारा लेकर ओशियन में तैर रही होती है। तभी उसके पास एक शिप आती है, जो कि उसे रेस्क्यू करके एक एम्बुलेंस में भेजती है। फिर ऐप वहाँ से बाहर देखती है तो उसी गोल्ड को दूसरी शिप पर लोड किया जा रहा होता है, और उन सबके पीछे जैक भी होता है जो कि उसे ही देख रहा होता है, और वो सारे गोल्ड को वही लोड करवा रहा होता है। उसे देखकर ऐप सभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। एम्बुलेंस वहाँ से चली जाती है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गोस्ट शिप मूवी की स्टोरी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब बात कर ले जैक डीमन के बारे में। तो जैक पहले एक इंसान ही था, जिसके मरने के बाद उसे सोल कलेक्ट करने के काम पे लगा दिया गया था। और जैक सभी लोगों को गोल्ड का लालच देता है और उनसे कत्ले आम करवाता है। फिर वो सभी लोगों की सोल को कलेक्ट करता है। जब उसके शिप का कोटा पूरा भर जाता है, तब वो उस शिप को अपने घर यानी अपने बॉस को दे देता है, जिसकी वजह से उसका बॉस काफी उससे खुश रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।